दोबारा गौर किया जाए तो 14 फरवरी तुक जाए 10 फरवरी या कारण क्यों तुम क्यों ये चीज़ की डिमांड कर रहे हो? ये कारण है कि साढ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि मकसद है और पहले अपना नाम दस दो जहाँ मैमेंडम देकर आया डी सी साहब की जय गुरुदेव जय भीम जय भारत। मैं अमरजीत प्रधान श्री गुरुदास नौजवान सभा हैड ऑफिस कुशलपुरा तो आज डी सी साहब नूं मेमोरेंडम दे के आए हैं कि जिहड़ियां इलैक्शन दियां चुनाव दियां तरीकां तय कीतियां ने उन्हां दे गौर नज़र अंदाज कर किया गया है क्योंकि साढ़े श्री गुरुदास महाराज जी के 645वां जन्मदिन मना रहे हैं जो कि बनारस दे विच बड़ी धूमधाम नाल श्रद्धा नाल संगतां पूज रही हैं तो वह तैयारियां कर रही ने तो उत्तों इन्होंने इलैक्शन की तारीख जिहड़ी रख दी है ये गलत रखी है 14 फरवरी तो 15 ते 16 फरवरी साढ़े गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा तो नगर कीर्तन होंदा है। इस संबंध में मैं सोचता हाँ कि इस सरकार को दोबारा इस दे उत्ते सोचना चाहिए है गौर करना चाहिए तो तरीक या 10 तरीक तो पहले फरवरी तो पहले रखन या 25 फरवरी तो बाद लखा लोग जड़े साडे श्रद्धालु लोग उत्थे बनारस दे विच जन्म स्थान दे उत्ते जाके अपना महाराज जी का आशीर्वाद लैन जाते हैं तो वोटा पाउंदे वो वांझे रह जाएंगे। मेरी यही अपील है कि वो इस ते गौर करके दोबारा चुनाव तरीक तय कर। जी हाँ बिल्कुल अगह या पिछा की जाए जो 10 तरीक तो पहला कर ले फरवरी तो या 25 फरवरी तो बाद की जाए। डीसी साहब ने सानू आश्वासन दिता कि असी तुहाडी अपील अगे पहुँचा देंगे। और की मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस? सब तो पहला सब संगतान जय गुरुदेव जय भीम। मैं संगतां दा दास अश्विनी कुमार जुगानिया जनरल सकत्तर श्री गुरु रविदास प्रकाश मंदिर हैड ऑफिस कुशनपुरा तो जिवें कि मैं कहना चाहना हाँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी का 645वां शुभ जन्म दिहाड़ा इस वारी 16 तरीक नूं आ रहा है 16 फरवरी आ रहा है तो सतगुरु रविदास नाम लेवा संगतां जिहड़ियां ने 4-4 महीने पहला ही जिहड़ियां वा सतगुरां दे दर्शनां वास्ते बनारस नूं जांदियां ने तो उहदे विच जिहड़ा है घट्टो घट्ट भी बनारस कांची दे विच करोड़ों दे हिसाब नाल श्रद्धालु जिहड़े पहुँचते हैं और पंजाब तो घट तो घट 25 तो 30 लाख जिहड़ा है श्रद्धालु वह बनारस पहुँचता है तो जो तरीक रखी गई है वह 14 फरवरी की रखी गई है। 14 फरवरी अगर इलैक्शन होंदा है तो 13 तरीक जिहड़ी है बनारस तो घट भी ट्रेना जिहड़ियां सालम ट्रेना साडियां जा रही ने तो लखां दी गिनती विच लोग उत्थे पहुँच रहे हैं। अगर 13 तरीक नूं साडे लोग बनारस चले जाते हैं तो ये पंजाब जिहड़ा है उहदे विच दलित वोट जिहड़ा है जिहदी एक मेन भूमिका हुंदी है सरकार बनाउण दे विच ते ओह जिहड़े लोग ने ओह वोटां पाउण तों वांझे रहि जाणगे तो मैनूं लगता है कि किते ना किते एक जिहड़ी आ सोची समझी साजिश तहत जिहड़ी आ तरीक रखी गई है भी ताकि जिहड़े आ दलित लोग जिहड़े आ ये जिहड़े पहलां बहुत पिछड़े ने ये अपनियां वोटां पा के कितने अपने MLA या सरकार ना बना लैन तो उन्होंने लगता है कि ये तरीक 14 फरवरी की जान बुझ के रखी है तो असी बेनती करते हैं चोन कमिश्नर भारत नूं और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने अगे भी बेनती करते हैं सारिया पार्टिया के जोड़े नुमाइंदे ने प्रधान है उन्होंने भी बेनती करते हैं कि जी तरीक जी है इलैक्शन की 14 फरवरी की बजाए उन्होंने 10 तरीक तो पहले किया जाए और या फिर जड़ा है उसनों 25 फरवरी तो बाद किया जाए ताकि जोड़े लखा लोग ने वो कित वोटों तो वाझे ना रह जान ये असी बेनती करते हाँ भारत सरकार के अगे कि साड़ी जड़ी है अपील ये मंजूर की जाए तो होर असी कह देना चाहते हाँ मीडिया के माध्यम राही कि अगर साड़ी इस अपील निम्रता सहित अपील नू अगर साड़ी ना मन्या गया तो असी जड़ा है अपना चक्का जाम करांगे और ट्रेना भी रोकांगे हवाई अड्डे ते उत्थे भी जाके असी जड़ी आ रोकांगे तो जड़ा है असी पूर्ण तौर पर भारत बंद का ऐलान करांगे अगर इस एक हफ्ते दे विच अगर साड़ी इस गल नू ना मन्या गया क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी वो शख्सियत ने जिन्हां ने जड़ा है बेगमपुरे का उपदेश दिता है कि ऐसा चाहू राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संभसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र
पवित्र बाणी है। सो मैं बेनती करांगा कि साड़ी ये अपील जिहड़ी है मंजूर की जावे। जय गुरदेव, जय भीम जी, धन्यवाद जी। तुहानू लगता है कि जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री दलित सीगे उन्होंने चेहरे ते वोट खड़ी गई, हुण लगता है कि दोबारा तुहानू चोट लाउण की कोशिश की जा रही, क्योंकि अक्सर ही जो भी ਚੋਣਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 34% ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।